हेलो दोस्तों, आज आप लोग सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और वह वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। जिस वीडियो में मैं बात करूंगा आज Redmi Note 10 Pro के बारे में। Redmi Note 10 Pro का जो फोन है उसको आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा। अनबॉक्सिंग करने के बाद पूरा दिखाऊंगा कि फोन में क्या है, फोन में डिटेल्स क्या है, और पूरा वीडियो को आप बने रहिए और देखते रहिए। आपके सामने ही फोन को मैं ओपन करूंगा, उसका बॉक्स को, और बॉक्स को खोलूंगा। उसके बाद पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और सब कुछ आप लोग को डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा। चलिए चलते हैं फोन में। फोन के में जाने के बाद दिखाते हैं कि मैं आपको पूरा वीडियो को कि कैसे अनबॉक्सिंग किया जाता है, अनबॉक्सिंग करने के बाद क्या क्या दिया है फीचर्स उसमें, चलो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग रेडमी। ये रहा रेडमी का फोन। रेडमी मैंने इसको पहले से खोल के रखा हूँ, तो चलिए इसको खोलने के बाद दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग का फोन क्या है, फोन कैसा है। तो बाकी ये सब तो उसका बिल है जिसका आप देख सकते हैं, ये बिल दिया है। चलिए, ये तो इस काम का नहीं है। ये रहा आपका फोन। चलिए फोन को मैं दिखाता हूँ आपको, फोन को ओपन करके दिखाता हूँ आपके सामने। और ये रहा आपका फोन। उसके बाद मैं इसको खोलता हूँ, इसको इसको खोलता हूँ, रुकिए एक मिनट। आप लोग के सामने फोन को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये अनबॉक्सिंग करने के बाद फोन किसे क्या क्या ये इसमें ये दिया गया है। चलिए चलिए, फोन वही हो गया। चलिए आप लोग के सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये रहा फोन। देखिए बॉक्स इसमें क्या देता है, चलिए देखते हैं। अभी तक तो मैंने भी नहीं खोला, आप ही के सामने खोल रहा हूँ मैं इसमें। चलिए इसमें अभी फिलहाल ये रहा आपका सिम स्लॉट खोलने का ये। चलिए ये तो ठीक है। उसके बाद इसमें एक बैक कवर दिया जा रहा है, बैक कवर। चलिए बैक कवर को भी ओपन करता हूँ, किस क्वालिटी में दिया गया है देखता हूँ। बैक कवर दिया गया है लगभग ठीक है, अच्छा है। जैसे आपको रेडमी नोट 9 प्रो में मिला है उसी तरह का लगभग बैक कवर है। बैक कवर चलिए ठीक है दिया गया है। चलिए इसको मैं साइड करता हूँ। और उसके बाद ये रहा आपका फ़ोन। चलिए फ़ोन को निकालता हूँ। फ़ोन देखिए, ये रहा आपका फ़ोन, रेडमी नोट 10 प्रो। नोट 10 प्रो का देखने में भी लुक बढ़िया है इसका, फ़ोन का आप देख सकते हैं फ़ोन बहुत बढ़िया है लुक। ऊपर से कैमरा दिया हुआ है, 4 कैमरा दिया हुआ है। और इस फ़ोन में हमको सबसे अच्छा लगा कि Redmi 9 Pro से जो कंपेयर करेंगे तो इसका कैमरा का साइज़ थोड़ा ये छोटा दिया है। चलिए इसको मैं खोलता हूँ, आप लोग के सामने दिखाता हूँ कि फ़ोन में क्या है। ये रहा फ़ोन। चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ। ये रहा फ़ोन आपका। देखिए फ़ोन का लुक बहुत बढ़िया है, स्लिम है और मस्त है। फ़ोन हाथ में भी बहुत अच्छे लग रहा है। किसी का भी फ़ोन अगर आप रखिएगा, ये फ़ोन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको, बहुत अच्छे है फ़ोन। फ़ोन तो हमको जितना दूर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा फ़ोन। लुक भी इसका अच्छा है, पीछे से देखिए इसका लुक अच्छा है और इसका स्क्रीन भी स्मूथ है। चलिए फ़ोन को करते हैं ओपन, फ़ोन को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन को ऑन होने दीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। जिस तरह से देखते हैं फ़ोन का स्क्रीन भी अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि फ़ोन कैसा लगा। और देखिए ये ऑन हो रहा है पूरा सिस्टम इसका। और इस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ जिस तरह से लगभग लगभग ये रेडमी 9 प्रो के, ये बैटरी आपका देख सकते हैं कि बैटरी ये 5020 जितना रेडमी नोट 9 प्रो में दिया है उतना ही दिया है। 16 MP कैमरा भी दिया है में, और डबल सिम दिया है से। और ये 664, सिर्फ 664, और आपका 732 GB आपका प्रोसेसर दिया है। तो देखिए, और बैटरी के भी दिया है। और इसमें दिखाना चाहता हूँ और क्या क्या दिया है। चलिए फ़ोन हो चुका है ऑन, आप लोग के सामने दिखाते हैं कि फ़ोन ये सब आपको कर लेता हूँ। उसके बाद इस सेटिंग्स,
चलिए फोन हो चुका है ऑन आप लोग के सामने। और चलिए फोन तो फिलहाल ठीक है और बाकी सब और फोन का शायद फिंगरप्रिंट्स भी जैसे रेडमी 9 प्रो में दिया है शायद उसी जगह दिया होगा। फिलहाल तो मैंने फ़ोन कभी चलाया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए देखिए फ़ोन हो गया आपका ये जितना और ये हो गया है और ये चलिए फ़ोन स्मूथ भी चल रहा है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत अच्छा है फ़ोन, देखने में भी अच्छा है। और जिस तरह से आप लगभग जो जो बंदे 9 प्रो को यूज़ कर रहे हैं वो जानते होंगे कि फ़ोन लगभग लगभग वही है, उसी टाइप का है। और बाकी चलिए फ़ोन को रखते हैं साइड में और क्या दिया है ये देखते हैं पहले। चलिए दिखाता हूँ आपका, ये रहा स्पीक केबल और चलिए ये भी ठीक है। और ये चार्जर, चार्जर इसका शायद फास्ट दिया होगा, कितना दिया है देखते हैं। चार्जर आपका अठारह का ही दिया है या फिर उससे ज़्यादा दिया है, 3A 12 वोल्ट 2.5A दिया हुआ है। चलिए फ़ोन फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जर दे रहा है आपको और इसके साथ एक कवर दे रहा है और फ़ोन तो जैसे आपको Redmi Note 9 Pro में दिया गया था। और फ़ोन हमको भी अच्छा लगा, आप भी अगर चाहते हैं तो फ़ोन लेना तो फ़ोन बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। फिर आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।